हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो ये स्विफ्ट है, इस गाड़ी के अंदर में ब्लॉपंग का कील आर्गो 970 सीरीज़ का एंड्रॉयड अपग्रेड हो रहा है। और गाड़ी के अंदर में जो स्टॉक सिस्टम आता है, सबसे पहले तो वो आप यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक सिस्टम आता है, कुछ आपको इस टाइप का मिलता है स्टॉक सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, पहले स्विफ्ट में कुछ इस टाइप का ही सिस्टम आता था। ये आपको निपॉन का मिलता है, यहाँ पर आपको निपॉन की बैजिंग भी मिल जाएगी। तो इसमें आपके पास में क्या क्या ऑप्शन होता है, एक तो सीडी का ऑप्शन होता है, यूएसबी ऑक्स का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप साउंड वगैरह को बड़ा घटा सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ से आप चैनल को ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पर एफएम वगैरह को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले स्विफ्ट में इस टाइप के सिस्टम आया करते थे, अब जो स्विफ्टें आ रही हैं उस स्विफ्ट में जो न्यू टॉप मॉडल आ रहा है उसमें आपको टच ही मिलता है, उसके अंदर में आपको जीपीएस वगैरह सब मिल जाता है कंपनी से ही। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं ZXi प्लस, यहाँ पर अगर आप देखें इस मॉडल के अंदर में तो आपको कुछ इस टाइप का सिस्टम मिलता है। तो हम इस गाड़ी के अंदर में, जैसे कि आप देख सकते हैं पुरानी गाड़ी है, तो उसमें हम एंड्रॉयड अपग्रेड कर रहे हैं ब्लॉपंग की लार्गो 970 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप में 9 इंचेस में एंड्रॉयड अपग्रेड हो रहा है ब्लॉपंग की लार्गो 970। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको यहाँ पर ये मार्किंग भी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड है बैक साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है। साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप साइज़ कंपेयर करें इसका और यहाँ पर, अगर आप साइज़ करें कंपेयर इसका, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। ये न्यू जनरेशन में अब कुछ इसी टाइप के सिस्टम आ रहा है, इनके अंदर में फ्रेम अलग अलग आती है, जैसे कि अगर आपके पास में क्रेटा हो गई है, स्विफ्ट हो गई है, डिज़ायर हो गई है, और इसी के साथ में अनदर जो i20s आती हैं, ह्यूंडई की गाड़ी हो गई हैं या फिर मारुति सुजुकी की, होंडा की, तो जैज वगैरह जैसे आती हैं, तो उनकी फ्रेम पूरी आती है। किया सेल्टोस हो गई है, किया सेल्टोस में यहाँ से पूरी फ्रेम आती है। तो एंड्रॉयड एक ही टाइप का रहता है, इसमें आपके पास में ऑप्शन होता है 10.1 इंचेस का या फिर 9 इंचेस का। ये 9 इंचेस का है, 10.1 इंचेस में थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन आ जाती है, तो उसमें क्या होता है फ्रेम लगती है। जैसे कि ये स्विफ्ट है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये 2015 मॉडल है, तो इसकी फ्रेम यहाँ पर लगने वाली है 9 इंचेस की। हार्नेस के साथ में आती है, बैक साइड में आपको हार्नेस भी मिल जाएगी, ये आप देखिए इस टाइप से पूरी फ्रेम लग जाती है। जब लगेगी तो मैं आपको एक और पूरी जो है क्लिप बताऊंगा किस तरीके से ये पूरी फिटिंग होती है। नॉच टू नॉच फिट आती है, काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कपलर रहते हैं, ये ओरिजिनल जो वायरिंग है ना कंपनी की, इसकी जो है ये कपलर रहती है, कपलर लूम रहती है, तो हमने जो ओरिजिनल सिस्टम है उसमें से निकाल दिए। यहाँ पर हम हमारी वायर हार्नेस लगाने वाले हैं, यहाँ पर आपको ये वायर हार्नेस मिलती है, ये आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर में, तो ये यहीं पर लगेगी, ये भी आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर में ही आती है, तो ओरिजिनल वाला ही पूरा काम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए ब्लॉपंग का कार मल्टीमीडिया प्लेयर की लार्गो 970। इसी के साथ में माइक प्लेसमेंट हमने यहाँ पर करी है एज़ यूजुअल, जो माइक प्लेसमेंट होती है ऊपर में जीपीएस यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है, ये आप देख सकते हैं, ये एसी वेंट होती है ना, एसी वेंट की हाउसिंग, इसी के ऊपर में यहाँ पर जीपीएस हमने फिट किया है। आपके पास में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर पिलर पर फिट करने का, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता है, तो हमने इसको ना पूरा अंदर में ही फिट किया है जिससे लुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हो। यहाँ से ये जीपीएस की लूम आ गई है, ये आप देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लॉपंग का रिमोट भी आता है, रिमोट में आपको यहाँ पर सेल भी मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं ये फ्रेम है, कुछ इस टाइप की आपको फ्रेम मिलती है। तो फ्रेम में हमारा जो एंड्रॉयड है वो फिक्स हो रहा है, 4 स्क्रूज इसमें केस होते हैं जिससे अच्छी तरीके से ये फिट हो जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारा एंड्रॉयड फिट हो रहा है फ्रेम में। तो यहाँ पर सिस्टम हमारा लग चुका है, ये आप देख सकते हैं फ्रेम नॉच टू नॉच फिटिंग आई है, नॉच टू नॉच आप यहाँ पर चेक करिए, ऊपर से भी आप देख सकते हैं, बॉटम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप नॉच क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। ब्लॉपंग की लार्गो की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको माइक रीसेट का ऑप्शन मिलता है, पावर होम बैक वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन आप यहाँ पर टच बार से आपको प्रोवाइडेड हैं कंपनी से ही ब्लॉपंग के सिस्टम में। ये गाड़ी की कुछ की है, और इसको हम जस्ट प्लग करते हैं तो आपको इसकी एनिमेशन कुछ इस टाइप की मिलती है, ये आप देखिए ब्लॉपंग का यहाँ पर आपको बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में पर्सनली। रिवर्स कैमरा भी इसके अंदर में अपग्रेडेड है, वो भी हम चेक करने वाले हैं, और ये आप देख सकते हैं इसकी बूट एनिमेशन, मतलब बहुत ही बढ़िया लगती है देखने में। ब्लॉपंग की लार्गो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और काफ़ी अच्छा आपको इसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। मार्केट में कुछ ये चीज़ें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो सेट ऑफ पीसेज में है प्रॉब्लम मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारे पास भी आई है, तो पर्सनली वो सिस्टम हमने रिप्लेस कर दिया था, बट ब्लॉपंग की लार्गो में कुछ सिस्टम में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कुछ ग्लिच आ रहा है, तो वो आप जिधर से आपने लगवाया है तो उनसे आप ज़रूर से बात करें, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, तो ब्लॉपंग की लार्गो 970 की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, या आपको इसमें इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है। अभी इसकी लाइट चालू है, तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन लाइट भी यहाँ पर जल रही हैं,
तो नाइट टाइम में काफ़ी अच्छी इसमें आपको विजिबिलिटी मिलती है। इसमें आपको फोटोज़, ब्लूटूथ म्यूज़िक, वीडियो, एवी इन सेटिंग, नेविगेशन, रेडियो, म्यूज़िक, ब्लूटूथ फ़ोन, फ़ोन लिंक की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं एवी इन, बीटी म्यूज़िक, बीटी फ़ोन, कार इन्फो, क्रोम, फ़ोन लिंक, और आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल मैप से यहाँ पर आपको मिल जाता है म्यूज़िक है, तो जस्ट मैं आपको इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो सुना देता हूँ। काफ़ी अच्छा ये साउंड आपको देता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका। अगर आपकी गाड़ी में यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन है तो उससे भी ये पूरी तरीके से ट्यून अप हो जाता है। मतलब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन इसमें नहीं है, अगर गाड़ी में आपके हैं तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन से भी ये पूरी तरीके से आपका वर्किंग रहता है। तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। जस्ट मैं आपको इसका रिवर्स चेक कराता हूँ। ये आप देखिए इसका रिवर्स कैमरा कुछ इस टाइप के आपको एंगल के साथ में मिलता है। 170 डिग्री का एंगल ये कवर करता है और इसके अंदर में आपको वाइड एंगल मिलता है। आप वाइड एंगल देख सकते हैं, डिफरेंट मोड्स भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसके डिफरेंट मोड्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो एक रेड लाइंस के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है और रिस्पांस काफ़ी अमेजिंग है। पर्सनली अगर आप देखें तो रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपको ये पूरा सिस्टम मिलता है। ब्लॉपंग काफ़ी अच्छा है, रेनॉन ब्रांड है, तो आप इसमें जा सकते हैं। इसकी आपको मैं सेटिंग्स चेक करा देता हूँ, सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए SWC का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, जो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर आप देखिए डिस्प्ले SWC जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आप देखिए, तो माइक वगैरह आपका सब इसमें पूरा रहता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, आप भी अपनी गाड़ी के अंदर में इसको अपग्रेड करा सकते हैं। तो इसके साथ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड ऐसे ही हम आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आप अपनी गाड़ी का नाम हमें ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताएँ जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।